संध्या में वक्त है अब तक की 20 बड़ी खबरें जानने का। कोलकाता में मचा बवाल, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर छोड़े गए आंसू गैस के गोले। आतंकियों से बोले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, हथियार छोड़ो आओ लंच करते हैं। राहुल के बचाव में आए सुरजेवाला, बोले राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थे, हैं और रहेंगे। शिवसेना की नहीं सुनेगी बीजेपी, डिप्टी स्पीकर के लिए जगन और नवीन को किया ऑफर। कांग्रेस ने किया दावा, बिजली के बढ़े हुए चार्ज वापस लेगी केजरीवाल सरकार। नीतीश सरकार ने किया बड़ा फैसला, मां बाप की सेवा नहीं करने वाले जाएंगे जेल। संजय भंडारी के कारोबार पर रोक जारी रखेगा रक्षा मंत्रालय। एससी ने खारिज की बर्खास्त आईपीएस संजीव भट्ट की याचिका। इमरान खान को भारत से बातचीत करने पर पूर्व राजपूत ने लताड़ा। प्रफुल्ल पटेल से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिर पूछताछ करेगी ईडी, 17 जून को बुलाया। गुजरात में वायु तूफान का खतरा, रेड अलर्ट हुआ जारी, खाली कराए गए गांव। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 25 लाख की इनामी नक्सली नर्मदा गिरफ्तार। 15 जुलाई को होगी चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग। उत्तराखंड में ऋषिकेश गंगोत्री मार्ग पर हुआ भूस्खलन, रास्ता हुआ बंद। भारत ने सफलतापूर्वक किया अत्याधुनिक मिसाइल व्हीकल का प्रक्षेपण। शिखर धवन ने ट्वीट कर जताई अपनी भावना, लिखा हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। वर्ल्ड कप के मैदान में आज होगा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। अमिताभ बच्चन ने 2100 किसानों का चुकाया कर्ज। ऋतिक रोशन की सुपर 30 में उदित ने गाया जुगरफिया गाना, हिट होने की लगाई जा रही है उम्मीदें। सलमान की इंशाल्लाह और अक्षय की सूर्यवंशी का क्लैश टला। ऐसी ही तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।